वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूँ मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स और बुक आर एस अग्रवाल और डिफरेंशिएशन हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज आज हम लोग देखेंगे 28C और 28C का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे और कहता है क्वेश्चन कि डिफरेंशिएट करिए एक्स टू द पावर 4 इंटू 10x का। तो स्पष्ट है कि ये इसको हम लोग डिफरेंशिएट करने बोल रहा है तो हम लोग क्या लगा देंगे d/dx और ये पहला को u मान लेते हैं दूसरा को v मान लेते हैं, किसी को भी u इंटू v मान सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग फर्स्ट को u और सेकंड को v मान लेते हैं और u इंटू v का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि u को छोड़ देना है v का डिफरेंशिएशन, v को छोड़ देना है u का डिफरेंशिएशन। तो u को छोड़ दिए मतलब x पे पावर 4 और v का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 10x प्लस v को छोड़ दिए मतलब 10x और u का डिफरेंशिएशन x टू दी पावर 4 है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि x पे पावर 4 और 10x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं क्या होता है sec²x प्लस 10x को मैंने 10x छोड़ दिया। चेंज वही करता है जहाँ d/dx लगा रहता है। तो x पे पावर 4x का हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन 4x³। तो इसको और सजा करके लिखेंगे तो लिखेंगे x पे पावर 4 इंटू sec²x प्लस 4x³ इंटू 10x, बस यही लिखेंगे और यही अपना आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखें। 8 में भी डिफरेंशिएट करना है तो हम लोग यहीं लगा देते हैं d/dx और पहला को u मान लेते हैं और दूसरा को v मान लेते हैं और ये फार्मूला जानते हैं u इंटू v का। u को क्या करते हैं छोड़ देते हैं मतलब 3x-5। v का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब हो गया 4x²-3 प्लस e^(x) प्लस v। भी मतलब क्या हो गया कि 4x²-3 प्लस e^(x) अपॉन डी, यू का वैल्यू 3x-5/dx। अब यहाँ क्या हो गया कि ये 3x-5 हो गया और 4 का हमने 4 लिख दिया और x² का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं 2x, माइनस 3 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, 3 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस e^(x) का डिफरेंशिएशन e^(x). यहाँ पर चेंज नहीं करेगा तो जैसे का तैसे लिख देंगे 4x²-3 प्लस e^(x) और यहाँ पर देखिए 3 का 3, x का डिफरेंशिएशन 1 और 5 का 0। तो कुल मिलाकर के हम इसको बोल सकते हैं 3x-5 इंटू 8x प्लस e^(x) प्लस यहाँ से हम लोग लिखेंगे 4x²-3 प्लस e^(x) इंटू 3। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 + 24x², यहाँ देखिए 8 + 24x² प्लस 3x इंटू e^(x) है ना। हाँ अब इधर से -40x-5e^(x) प्लस इधर से देखिए 4 + 12x²-9 हाँ प्लस 3e^(x). अब क्या हो जाएगा कि इसको हम लोग यहाँ भी x² और यहाँ भी x² और 24 और 12 36x² -40x। अब ये देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस 3x इंटू e^(x) माइनस देखिए -5e^(x) में -5e^(x) प्लस 3e^(x) मतलब -2e^(x) और यहाँ पर देखिए कि कांस्टेंट कितना बच जाएगा, ये -9 का -9 बस यही आंसर है आपका। तो कैलकुलेशन आप ध्यान दे लीजिएगा और u इंटू v का फार्मूला हमने यूज किया है और
इसी फॉर्मूला, ये पूरा एक्सरसाइज में यू इंटू वी ही चलेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए हमने लगा दिया डी बाई डी एक्स, और ये यू हो गया और ये हो गया वी। और u इंटू वी का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, u को छोड़ देना, v का डिफरेंशिएशन, v को छोड़ देना, u का डिफरेंशिएशन करना, ये हम लोग जानते हैं। तो बस u इंटू वी का यहाँ u लिखना है, u मतलब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव, और डी वी का डिफरेंशिएशन हो गया एक्स क्यूब माइनस टू प्लस वी एक्स क्यूब माइनस टू, और डी बाय डी एक्स यू का वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस जीरो प्लस एक्स क्यूब माइनस टू, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया टू एक्स माइनस फोर प्लस क्या जीरो। अब इसको गुना करें तो क्या हो जाएगा बोलिए, थ्री एक्स पे पावर फोर माइनस बारह एक्स क्यूब प्लस पंद्रह एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ ये हो गया, आगे बढ़िए, यहाँ पर हो गया टू एक्स पे पावर फोर माइनस फोर एक्स क्यूब माइनस एट एक्स हाँ प्लस एट, ये हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग सिंपलीफाई करेंगे, इसको हल करेंगे, तो सबसे पहले है कि सबसे ज़्यादा पावर कहाँ है, तो देखिए यहाँ भी है एक्स पे पावर फोर, यहाँ भी एक्स पे पावर फोर, ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा फाइव एक्स पे पावर फोर। अब एक्स क्यूब यहाँ भी है, एक्स क्यूब यहाँ भी है, ये दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस बारह माइनस चार माइनस सोलह एक्स क्यूब, है ना, प्लस प्लस पंद्रह एक्स स्क्वायर, प्लस पंद्रह एक्स स्क्वायर, और एक्स का हिसाब किताब क्या होगा, एक्स का एक्स कहीं छूट रहा है, यहाँ पर थोड़ा गौर करेंगे तो ये पाएंगे कि हमने कुछ गलती किया है। दो को दो से गुना किए तो माइनस चार एक्स होगा, लेकिन हम यहाँ लिख दिए आठ एक्स, तो यहाँ होगा माइनस चार एक्स, कितना होगा माइनस चार एक्स। तो हम फिर लिखेंगे यहाँ माइनस चार एक्स और प्लस एट, प्लस एट, तो फाइव एक्स पे पावर फोर माइनस सोलह एक्स क्यूब प्लस पंद्रह एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस आठ, यही अपना क्या होगा आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करने का मतलब डी बाई डी एक्स लगा देना है और इसको बोल देना है यू और ये है वी, और हम लोग जो फार्मूला जानते हैं यू इंटू वी का, उस पर बैठाएंगे बस बन जाएगा। तो यू इंटू वी का डिफरेंशिएशन है, तो ये लिखा हुआ है, इस पर हम लोग बैठाएंगे, यहाँ लिखा हुआ u, u मतलब एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री यू, डी भी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव बाई डी एक्स, प्लस भी एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव, और u एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री बाई डी एक्स। u को छोड़े v का डिफरेंशिएशन, v को छोड़े u का डिफरेंशिएशन, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री, और डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का क्या टू एक्स, सेवन एक्स का सेवन और फाइव का जीरो, प्लस एक्स स्क्वायर ये जैसे का तैसे लिखेंगे सेवन एक्स प्लस फाइव, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स प्लस टू माइनस जीरो। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा टू एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर, ये दूसरा से गुना करेंगे प्लस यहाँ हो जाएगा सेवन एक्स स्क्वायर ना प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस चौदह एक्स, फिर तीन से गुना करेंगे माइनस सिक्स एक्स माइनस इक्कीस। हाँ,
अब आगे हम लोग इससे गुना करते हैं, कितना हो जाएगा 2x³। नीचे लिखते हैं, गुना करके नीचे लिखते हैं, फिर यहाँ क्या हो जाएगा +2x²। अब की बार 7x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 × 14x²। फिर इसको इससे गुना करेंगे 7 × 14x। अब फिर 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 × 10x और +5 × 10। इन सबों को जोड़ना है, जोड़ना है तो चूँकि बीच में साइन है सेम प्लस का, तो हम लोग जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे देखिए क्या हो जाएगा, 2x³ और 2x³ कितना हो जाएगा 4x³। कितना 4x³। चलिए हमने लिख दिया 4x³ और 7 × 9x² +14 × 4 = 18x², 14 × 14 = 28x, -6 + 10 = 4x और -11। इसको लिखे -11 होगा ना, -11। अब इसको और सिंपलीफाई कर लेंगे तो 4x³ +27x² +32x -11, यही अपना क्या है आंसर है। बिल्कुल सिंपल है, जोड़ घटाओ गुना भाग आप लोग तो 9 क्लास से ही 7-8 से ही पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, और इसको भी डिफरेंशिएट करना है। d/dx लगा दिए, इसको पूरे को u और इसको भी मान लिए। अब u × v का लगाइए फॉर्मूला, u को छोड़ देना है, मतलब हो गया tan x + sec x है ना, और dv का डिफरेंशिएशन है cot x + cosec x +v कितना है cot x + cosec x, और u का डिफरेंशिएशन तो यहाँ लिख लेते हैं d/dx और u है अपना tan x + sec x। कहाँ चेंज होता है, जहाँ d/dx रहता है। चलिए ये जैसे तैसे लिख देंगे tan x + sec x, चलिए ठीक है। और cot x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं -cosec² x प्लस cosec x का होता है माइनस cosec x × cot x। इसको जैसे का तैसे उतार लेते हैं तो हो जाएगा cot x + cosec x। यहाँ पर tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec² x और sec x का sec x × tan x। अब देखते हैं कि कुछ कॉमन यदि आता है तो हम लोग ले लेते हैं। यहाँ से कॉमन आ रहा है इससे -cosec x और -cosec x आ रहा है तो ले लेते हैं -cosec x कॉमन। इसको जैसे का तैसे रख देते हैं tan x + sec x जैसे का तैसे। यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं -cosec x, क्या कॉमन ले रहे हैं -cosec x। हाँ तो -cosec x कॉमन ले लिए तो यहाँ हो गया cosec x बचा, क्योंकि 2 था एक निकल गया, ये निकल गया तो माइनस कॉमन लिए तो बीच में हो जाएगा प्लस, cosec निकल गया है तो यहाँ बच गया cot x। हाँ चलिए अब यहाँ भी है क्या, ये जैसे का तैसे रह जाएगा cot x + cosec x। अब हम लोग इससे कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं इससे sec x, तो हमने sec x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया हमारा sec x प्लस क्या बच गया tan x। इससे sec x कॉमन ले लिए तो अब देखिए टोटल से क्या कॉमन आ सकता है ये देखना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ कि कॉमन लेना है, और कॉमन लेने में देखिए ये दो टर्म है, एक यहाँ से यहाँ तक एक इधर, तो यहाँ भी देखिए tan x + sec x sec x + tan x ये सेम है ना, ये सेम है, कॉमन निकलेगा। अब देखिएगा कि cosec x + cot x यहाँ भी है
और कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स यहाँ भी है, तो हम लोग इसको भी दोनों चीज़ है कॉमन, और ये दोनों को हम लोग बाहर निकाल लेंगे दोनों वाला टर्म में। तो हम लोग यदि बाहर निकाल लेते हैं ये दोनों जिसको जिसको घेरा लगा लिए हैं, तो हम निकाल लिए बाहर सेक एक्स प्लस टेन एक्स एक बाहर निकल गया, और यहाँ इसको भी बाहर निकाल ले रहे हैं कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स कॉमन निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया माइनस कॉसेक एक्स, और ये देखिए सेक एक्स प्लस टेन एक्स बाहर निकल चुका है, कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स बाहर निकल चुका है, तो यहाँ क्या बच गया सेक एक्स, है ना। अब इसको हम लोग थोड़ा सजा करके लिख दें, तो इसको सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स लिख सकते हैं, तो इसको फर्स्ट में लिख लेंगे, तो क्या लिख लेंगे, क्या हो जाएगा सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स, फिर यहाँ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, फिर यहाँ कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, और यही अपना क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप इसको पूरा पूरी समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं, तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।